हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लूची दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आप सब लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि मैं अपना प्रेगनेंसी जो बेबी बॉय सिम्टम्स है और प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तो वो एक्सपीरियंस शेयर तो वीडियो बना करके ही कर सकते हूँ। जैसे एक एक करके जो जो आप सब लोगों ने पूछा है, मतलब ये क्या था, वो क्या था, प्लेसेंटा वगैरह 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 जितना भी था, वो सब तो मैंने बता दिया था। बट ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैं अपना फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस सबका बहुत अच्छा होता है। हाँ, किसी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी को कम प्रॉब्लम होता है, किसी का एकदम स्मूथ जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है। जैसे किसी को अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया तो उसको रेस्ट करना, ये वो। सो आज मैं सोच रही हूँ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपने बेबी बॉय सिम्टम्स जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब शेयर करने का। बट 1 to 9 मंथ तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 1 महीने से 9 मंथ तक का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और उतने दिनों में आपके साथ बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ तो याद भी नहीं रहता, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें याद है। अभी बेबी बस 1 मंथ का भी नहीं हुआ है तो मुझे सब कुछ याद है, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन हो जाता है तो हम कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का ना शेयर करके ट्राइमेस्टर वाइज शेयर करूँ, क्योंकि अगर 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आप लोग को भी देखने में नहीं बनेगा। क्योंकि होता है ना कि कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो जो सबसे छोटा वीडियो रहता है हम वो चूज करते हैं। 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है उतने दिनों में। 9 मंथ तक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 वीडियो बनाऊंगी और ट्राइमेस्टर वाइज मतलब शेयर कर लेती। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, सिर्फ अपना बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने कंसीव किया था सितंबर में, और मेरा लास्ट LMP है 1 सितंबर। ये लगभग हर वीडियो में दो कमेंट तो आता ही है कि आपका लास्ट LMP क्या है, डिलीवरी हुई है वो किस वीक में हुई है। तो मेरी डिलीवरी 39 वीक में हुई है। मैंने सबको कमेंट किया है, कमेंट का रिप्लाई दिया है, बट अभी भी मैं बता देती हूँ 39 वीक्स में हुई है, और जो मेरा लास्ट LMP है वो 1 सितंबर है। तो जैसे कि हम कंसीव करते हैं उसके 15 या 20 दिन बाद हमें पता चलता है कि हमने कंसीव किया है, मतलब लगभग 15 दिन बाद पता चलता है कि हमने कंसीव किया है। बट जो सिम्टम्स होता है ना वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हम कंसीव करते हैं सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि लास्ट LMP मेरा 1 सितंबर है, और जब मैंने कंसीव किया, मतलब समझो कि आधा सितंबर के बाद से ही मुझे वीकनेस से फील होने लगी थी। और मेरा ये है ना कि जब भी मैं मतलब प्रेग्नेंट होती हूँ, सेकंड प्रेगनेंसी थी, जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा वीकनेस जो है सबसे पहले साइन आ जाता है, अलग टाइप सा वीकनेस फील होने लगता है। मतलब उसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एकदम ऐसा लगेगा कि बॉडी में जान नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह सुबह किचन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉडी है पर इसमें कुछ जान नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता है, इस टाइप से। तो पहला ये है, समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा वीकनेस क्यों हो गया। और दूसरा ये है कि वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग होता नहीं है बट ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग हो रहा है, मतलब बस हो जाए वोमिटिंग तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा फील होगा। और सुबह सुबह कम ऐसा होता है, ज़्यादातर मेरा खाने के बाद ऐसा होता है। जैसे ही मैं खाना खाती थी, मतलब कुछ भी खा रहे, ऐसा नहीं कि खाना चावल दाल खा रहे तभी ऐसा हो रहा है, जैसे कुछ भी खा रहे। शाम में मोमोज खाती थी ज़्यादातर, उस टाइम पे अच्छा लगता था, मतलब मेरा फेवरेट है तो मैं हमेशा खाती रहती हूँ। तो कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ भी खाते ना, उसके जस्ट बाद ऐसा लगता है कि अब उल्टी कर ले, मतलब मन करता है कि उल्टी हो ही जाए तो बेटर है, इतना ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है। तो ये दो है ना, दोनों प्रेगनेंसी में ही मेरा हुआ था, बट इस टाइम भी यही ज़्यादा परेशान किया पूरे 1-3 मंथ तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरे। तो ये दो है, और 15 दिन बाद में पता चलता है कि हमने कंसीव किया, तो लगता है अच्छा इस वजह से ऐसा ये हुआ। और डॉक्टर पूछती है कि ऐसा होता है तो आप दवा ले सकती है, बट मैंने दवा नहीं खाया है, मतलब ज़्यादा दवा मैं नहीं खाई हूँ, बस जो आयरन कैल्शियम और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फॉलिक एसिड होता है वही मैंने खाया है। मैं बोल सकती हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस था भी और नहीं भी था, मतलब अगर इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं कि सुबह सुबह वीकनेस सा फील होना तो ये हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा आलस आना या बहुत ज़्यादा ये कि कुछ भी नहीं मतलब कर नहीं पा रही हूँ, इतना भी नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ था।
तो बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत था, बट वोमिटिंग वाला जो था उसमें भी वोमिटिंग नहीं हो रहा था होने जैसा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। इस मंथ में जैसे ही पीरियड मिस हुआ मुझे पता चल गया था कि वही बात है, और उसके बाद मैंने 2 या 3 दिन बाद टेस्ट किया था, क्योंकि टेस्ट करते हैं तो 1 हफ्ते बाद टेस्ट करो तो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, बेस्ट रिजल्ट आता है, बट 3-4 दिन बाद भी पता चल जाता है। तो 3 या 4 दिन बाद मैंने टेस्ट किया था और वो कन्फर्म हुआ। उसके बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, उसके बाद फ्रूट वगैरह खाओ, थोड़ा ध्यान दो क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था और खुशी भी थी, सब लोग खुश थे और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम का जो था ना प्रेगनेंसी मेरा, उससे सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ही अलग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब आप लोग थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये होता है कि क्या होगा कैसे होगा, और फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस होता है अगर अच्छा है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो वो भी टेंशन होता है कि फिर से वही बात। तो बस यही था, और मैं बिल्कुल भी खुश एकदम थी वो वाला बात नहीं था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में एक कॉम्प्लिकेशंस होने, मतलब चांसेस था कि ये कॉम्प्लिकेशन होगी, इस वजह से हम लोग 5 मंथ तक बहुत टेंशन में थे। और ये कॉम्प्लिकेशन आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी शेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इसका अलग शेयर करूँगी। बट ये इससे पहले इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, इस वजह से वही कॉम्प्लिकेशन इस प्रेगनेंसी में भी था, चांसेस था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये पता चला 5th मंथ में। तो अगर इस प्रेगनेंसी के बारे में बोला जाए तो मैं 5th मंथ से खुश हुई थी कि चलो अभी मेरा सेकेंड बेबी आ जाएगा, जो भी होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, जो भी होगा, बट अब हेल्दी रहेगा और मेरा 2 बच्चा होगा, मतलब मैं 2 बच्चों की माँ बनूँगी, 2 बच्चा मुझे माँ बोलेगा या बोलेगी, जो भी है। सो 5th मंथ में मैं खुश हुई थी, और खुश होने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करती थी, मतलब थोड़ा बहुत वीडियो डालना शुरू कर दी थी। उस टाइम मैं थी ससुराल में, तो मेरा ससुराल ब्लॉग आया करता था उस टाइम पे, मतलब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।